प्यारे बच्चों, आज हम क्लास एट में चैप्टर टू में एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 5 7y + 4 अपॉन y + 2 = -4/3 कैसे करेंगे? हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा 7y + 4 ये 3 को आगे लिखने के बाद से −4y + 2 ब्रैकेट खोलेंगे। मैंने पहले भी कहा था जब हमको ब्रैकेट खोलना है तो जो संख्या ब्रैकेट से बाहर है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या है प्रत्येक में करते हैं। 3 7 = 21 3 4 = 12 = 2 ये है −4 ब्रैकेट के अंदर y + 2 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस का मानेंगे, −2 + −4y − −2 + −4 = 8 अब हमको वैल्यू निकालनी है वाई की, तो वाई यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, यहाँ से इधर आएगा तो माइनस का है, इधर आते आते प्लस का हो जाएगा, 21y + 4y = 2 माइनस का आई है ये संख्या इधर जाएगी राइट साइड में यहाँ से तो माइनस की हो जाएगी, यहाँ से क्या हो गया 25y = 2 ये क्या हो जाएगा −20 therefore y = −20/25 काटेंगे इसको 5 से 5 4 = 20 5 5 = 25 = −4/5 ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7 4 years from now, the ratio of their age will be 3:4 and their present age. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हरी और हैरी की एज में जो अनुपात है, रेशियो है, वो है 5:7 तो 4 years from now, अब से 4 साल पश्चात, इसका क्या मतलब हुआ? अब से 4 वर्ष बाद या पश्चात उनकी एज का जो रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज क्या है उनकी, ये पूछ रहा है। देखेंगे द रेशियो ऑफ हरी हरीज एज एंड हैरीज एज इक्वल टू 5:7 दे रखा है, हमें लिखेंगे दैट द एज ऑफ हरी इक्वल टू 5x मान लेंगे एंड द एज ऑफ हैरी इक्वल टू 7x मान लेंगे। क्लियर हो गया? ये जो हमें रेशियो दे रखा है इससे हम दोनों की एज जो है निकाल लेंगे, इसको मान लिया 5x, इसको मान लिया 7x आफ्टर फोर ईयर हरीज एज, 4 साल के बाद हरी की एज क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 5x + 4 इसमें हम 4 को प्लस कर लेंगे, माना आज की आज वो 10 साल का है तो 4 साल कितना हो जाएगा 14 साल का हो जाएगा, उसमें प्लस किया हमने
इसी तरीके से हमने यहां कर दिया 5x+4 एंड हैरिस इज इक्वल टू, इसमें भी हम 4 से प्लस कर देंगे 7x+4 क्लियर हो गया। अब हमें इन दोनों का रेशियो दे रखा है, वो क्या दे रखा है 3:4 बट आफ्टर 4 ईयर रेशियो ऑफ हैरिस एज एंड हैरिस एज इक्वल टू 3:4 क्लियर हो गया। 4 साल के बाद उन दोनों की जो एज होगी उनका रेशियो दे रखा है 3:4। ये हमने क्या निकाला, पहले है हमारा हरी, हरी की एज कितनी है 4 ईयर बाद, ये 5x+4 इसको यहां लिखेंगे 5x+4 साइन आएगा रेशियो का। बाद में आ रहा हैरी, हैरी की एज तो बाद में आएगी, जो पहले आता है उसकी पहले आता है वो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। इसका 7x+4 इक्वल टू 3:4 क्लियर हो गया। अब हम इसको लिखेंगे अपॉन के रूप में, कैसे 5x+4 अपॉन 7x+4 इक्वल टू 3:4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या 4 को लिख लिया हमने 5x+4 इक्वल टू 3 7x+4 जब खोलेंगे 4 5 20 x+4 16 3 7 21 x+3 4 12 x लेफ्ट साइड में होना चाहिए 20x, इसको इधर लाएंगे मान समझ जाएगा 21x इक्वल टू 12, ये 16 इधर जाएगा प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहां से क्या होता है माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4, x माइनस से माइनस कट जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ गया, x का मान आ रहा 4 आ गया, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हरी इक्वल टू क्या थी हमारी 5x इक्वल टू 5 इंटू एक्स 4 इक्वल टू 20 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इक्वल टू ये थी हमारी 7x इक्वल टू 7 × 4 इक्वल टू 28 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया क्लियर हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, फाइंड द रेशनल नंबर। क्या हुआ उसका मतलब, इसका मतलब हुआ हमारी कोई फ्रैक्शन है भिन्न है, उसका जो हर है न्यूमरेटर है उसके अंश से उसके न्यूमरेटर से 8 अधिक है, यदि उसके अंश में हम 17 प्लस कर दें 17 बढ़ा दें और न्यूमरेटर में से हर में से एक डिक्रीज कर दें माइनस कर दें कम कर दें तो उसका जो मान होता है वैल्यू होती है वो 3/2 हो जाती है। ये पूछ रहा है
कि तीसरा नंबर वो क्या होगा। लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ तीसरा नंबर इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर ऑफ तीसरा नंबर इक्वल टू एक्स, देयरफोर डेनोमिनेटर ऑफ तीसरा नंबर इक्वल टू क्या हो रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ तीसरा नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई एट। हमारा जो डेनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से आठ एट अधिक है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एट, ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई सेवनटीन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, देयरफोर न्यूमरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर हमारा ये अधिक हो गया, न्यूमरेटर हमारा अधिक हो गया पहले से, पहले न्यूमरेटर हमारा एक्स ये अधिक हो गया, इंक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 17, एंड द न्यूमरेटर इज डिक्रीज इक्वल टू डिक्रीज बाई वन, देयरफोर डेनोमिनेटर इक्वल टू एक्स प्लस एट, एक डिक्रीज हो गया, माइनस वन कर देंगे, तीसरा नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है ये थ्री अपॉन टू, ये हमें दे रखा है गिवन, देयरफोर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस सेवन इक्वल टू थ्री अपॉन टू, ये हो गया। अब यहां करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस सेवनटीन इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवन, फिर खोलेंगे तो टू एक्स प्लस सेवनटीन दूंगा थर्टी फोर इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सेवनटीन थ्री जा ट्वेंटी वन, एक्स है एक तरफ बाकी एक तरफ बोलेंगे टू एक्स उसको बदलेंगे माइनस का हो जाएगा इक्वल टू ट्वेंटी वन, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा यहां और यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस के थर्टीन, माइनस कट जाएगा एक्स इक्वल टू थर्टीन, देयरफोर हमने इसको माना था न्यूमरेटर को एक्स माना था, देयरफोर न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स इक्वल टू थर्टीन एंड डेनोमिनेटर
इक्वल टू लिमिट क्या हमारा एक्स प्लस एट, एक्स प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन कितना आया हमारा थर्टीन, तो थर्टीन प्लस एट इक्वल टू ट्वेंटी वन। देयरफोर रेशनल नंबर तीसरा नंबर इक्वल टू 13 अपॉन 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है। अगली वाली एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।